नमस्कार, आशा मेहता की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मालिश वाला तेल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मालिश का तेल बनाने के लिए मैंने ये तेल लिया है, मैंने ये मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप चाहें तो तिल का तेल भी ले सकते हैं, वो भी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और सरसों का तेल भी हमारी हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसको ले सकते हैं। और मैंने ये कुछ अदरक ली है, इसको मैंने काट लिया है। आप कोशिश करिए कि आपके घर अगर सूखी अदरक है जैसे, तो उसको लीजिए, तो वो जल्दी से, हमें इसको तेल में जलाना है तो वो जल्दी से जल जाती है। ये अजवाइन ली है मैंने एक चम्मच के करीब, और ये है रतन जोत, शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, इसको रतन जोत बोलते हैं। और ये भी काफ़ी गर्म होती है, जो कि हम तेल में इसको जला के ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है हमारी बॉडी के लिए। ये लहसुन लिया है मैंने, ये सिंगल पोथी वाला लहसुन है, इसमें ये सिंगल ही निकलता है, तो ये भी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये लौंग लिए हैं मैंने, 8 से 10 लौंग लिए हैं मैंने। और ये मैंने कलौंजी ली है, कलौंजी जिसको प्याज का बीज भी बोलते हैं, मंगरेल भी बोलते हैं। कहते हैं कि इसके बारे में एक कहावत है कि मौत को छोड़कर ये बाकी सब रोगों में इलाज करती है, ये सब रोगों को ठीक करती है। तो आप भी इसे अपनी किचन में, इसको किसी ना किसी रूप में आप उसको रोटी चपाती में डाल दीजिए थोड़ी सी, तो किसी ना किसी रूप में ज़रूर यूज़ कीजिए, ये काफ़ी हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है। आइए देखिए आगे हम इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए, मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है, कोशिश करिए कि आप आयरन वाली कढ़ाई लें, क्योंकि आयरन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें मैं 1/2 लीटर के करीब तेल डालूंगी, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल लीजिए, आपको जितना रिक्वायरमेंट है उतना तेल डालिए। अब तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, जैसे कि इसमें धुआं आने लग जाए उस हिसाब से गर्म करेंगे इसको, और फिर हम एक एक करके धीरे धीरे इनमें सारी चीज़ों को डालेंगे। बच्चे हों या बड़े, आजकल सबके घुटनों में दर्द है, कट कट की आवाज़ आती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, तो सर्दी के दिनों में तो ये समस्या और भी बढ़ जाती है। तो आप इस तेल को बनाकर रात को मालिश करके ऊपर गर्म पट्टी बांध के, जिनको दर्द है उनको थोड़ी सी मालिश कीजिए, उसके ऊपर कॉटन लगाइए या गर्म पट्टी बांधिए, और सुबह देखिए आप उनसे पूछेंगे तो काफ़ी उनको आराम मिलेगा। आप खुद भी अपनी मालिश कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो आजकल बच्चों में, जवानों में, बूढ़ों में, सब में प्रॉब्लम है कि घुटनों में दर्द होता है। तो ये रेमेडी मैंने पहले भी आजमाई हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। तो इसमें 5 से 7 चीज़ें डलती हैं, और जिनका कि रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है, तो आप भी इसको ज़रूर बनाइए, और बड़े बुज़ुर्गों को मलिए ताकि उनको थोड़ा सा आराम मिल सके। आप मार्केट से लाते हैं मालिश का तेल, छोटी सी आपको बोतल मिलती है, वो काफ़ी महंगी होती है, 100 रुपये की या 150 रुपये की। ये आप 1/2 किलो तेल में, बाकी चीज़ें तो हमारे घर में ही मिल जाती हैं, तो आप घर में ज़रूर बनाइए तेल, ये काफ़ी सस्ता पड़ता है और फ़ायदेमंद भी बहुत होता है, क्योंकि इसमें प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है, और अब हम इसमें सबसे पहले हम अदरक डालेंगे, क्योंकि अदरक हमारी थोड़ी सी गीली है, तो इसको थोड़ा सा तलने में टाइम लगेगा, और साथ ही साथ हम इसमें लहसुन डाल देंगे। ये मैंने कुछ 5 से 7 गोलियां कपूर की ली हैं, ये हम लास्ट में बिल्कुल डालेंगे इसको, जब तेल हमारा ठंडा हो जाएगा, जब हम इसको किसी बोतल में या किसी भी डिब्बी में डालेंगे तब हम इसमें ये कपूर मिलाएंगे। आप गरम तेल में अगर डालेंगे तो एकदम से आग लग जाएगी, आप इसको बाद में बिल्कुल ठंडा होने पे डालिए। ये देखिए, ये हमारा अच्छी तरह से
जब सारा हमारा ये सामान काला हो जाएगा जल के, फिर हम इसको बंद करेंगे और ठंडा होने के बाद इसको छानेंगे। छान कर आप किसी बोतल में रख लीजिए, और जब भी आपको कहीं पे पेन है या कुछ भी है तो आप इसे लगाइए। अगर आपको कहीं पे चोट लग जाती है, गुम चोट है, हम जख्म पे तो इसको नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आपको गुम चोट लगती है आप उस पर भी ये मालिश करके इसकी, और आप गर्म पट्टी बांध लीजिए तो आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। ये लहसुन मैंने सिंगल पोथी वाला लिया है, कहते हैं ये शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसको सुबह खाली पेट इसकी 1 से 2 कलियां खाएं तो आपको काफ़ी फ़ायदा देगा ये, क्योंकि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी घटाता है। जिनको बीपी की शुगर, बीपी की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। ये देखिए, ये हमारा लाल होने लग गया है। इसको मुश्किल से बनाने में 5 से 7 मिनट लगते हैं। बस जब तक हमारा तेल जलता है तब तक ये सारा सामान इसमें उसका रस आ जाता है। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइए, और आप कोशिश करिए कि बनाने के बाद ये पूरी रात अगर इसी कढ़ाई में रहे तो इसमें कढ़ाई का भी आयरन आ जाएगा, तो और भी फ़ायदेमंद हो जाएगा। और अगर आपको जल्दी इसको यूज़ करना है तो आप इसको जल्दी से छान लीजिए ठंडा होने के बाद। लेकिन अगर आप पूरी रात इसमें पड़ा रहने देंगे तो जो हमने इसमें डाला है उसका सारा इसमें असर आ जाएगा। तो अब हम इसमें ये रतन जोत जो मैंने ली है ये डालेंगे। ये देखिए, इसके डालते ही हमारे ऑयल का कलर भी बिल्कुल जैसे मार्केट में मालिश वाला तेल मिलता है वैसा हो जाता है एकदम। और हम इसमें लौंग डाल देंगे और अजवाइन 1 चम्मच के करीब डालेंगे, और 1 चम्मच के करीब हम कलौंजी डालेंगे। इनको अच्छी तरह से हम पका लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल मालिश के तेल जैसा कलर हो गया इसका। तो देखिए, सारा जो हमने इसमें सामान डाला है, लहसुन को भी मैंने छिलके समेत ही डाल दिया था क्योंकि इसमें ये जल जाएगा और इसका असर आ जाएगा, और हम इसको पूरी रात इसी में पड़ा रहने देंगे। और जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें कपूर जो मैंने लिया है इसको थोड़ा सा क्रश कर देंगे। ये देखिए, ये बड़ी आसानी से क्रश हो जाता है। ये देखिए, इसको ये देखिए हाथ से भी हो जाता है ये, पर मैंने इसको थोड़ा सा एक खलबट्टे की डंडी से मैंने इसको ये देखिए ये कर लिया है। और ये देखिए, हमारा तेल बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी इसको ज़रूर बनाइए। ये देखिए, जैसे मार्केट में मालिश वाले तेल मिलते हैं बिल्कुल उसी टाइप का, और उसी टाइप की खुशबू आ रही है। अब इसमें कपूर डालेंगे तो और भी अच्छी खुशबू आएगी, और कपूर में हमारे दर्द को खींचने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा होने पे मैं इसमें कपूर डालूंगी, और मैं इसको पूरा दिन इसी में रखूंगी कढ़ाई में ताकि इसका अच्छे से असर आ जाए। ये देखिए, ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत फ़ायदा करेगा। तो ये देखिए, ये हमारा तेल बनकर तैयार है, और अब मैं इसमें कपूर डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से हिला दूंगी।
तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए। अगर आपके घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके तो घुटनों में ये आम प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं दर्द होता है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो आप ये तेल ज़रूर बनाइए। ये काफ़ी रीजनेबल रेट पे पड़ जाता है और काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, और जुड़े रहिए आशा मेहता की रसोई के साथ। थैंक यू।